हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कराया था क्वेश्चन नंबर 5, अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है और आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने हैं और बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन करना। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपसे पूछा क्या गया है और ऐसे मुस्कुराकर करना है कि आप समझो आपका क्वेश्चन हल ही हो गया। जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर प्रश्न 6 का प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए। दो सामान्य विधियां लिखना है आपको, 3 बता देंगे। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। एथेनॉल के दो मुख्य उपयोग भी लिखिए, इससे संबंधित अभिक्रियाएं दीजिए। पहला है प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां। याद रखिए, प्राथमिक अल्कोहल यानी के कार्बन की श्रृंखला से पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हो, सी सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होना चाहिए, अल्कोहलिक समूह जुड़ा होना चाहिए। चलिए आपको कराते हैं क्या लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट बनाने की विधि, पहले आप क्वेश्चन का हल लिखें और लिखें क्या बनाने की विधियां। अब सबसे पहले एल्किल हैलाइड को ले लीजिए, एक एल्किल हैलाइड जैसे C2H5Cl और कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दीजिए, लो बन गया। एथिल क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर क्या करेंगे, एथिल क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है और एथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल होता है और क्या निकल जाता है, NaCl निकल जाता है। अब दूसरा इसी प्रकार दूसरा हम लिखेंगे। नंबर 2, आपने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक सुना होगा जिसे हम बोलते हैं RMgX। इस R की जगह आप एथिल ही ले लीजिए, Mg की जगह क्या ले लेंगे, Mg और X की जगह ब्रोमाइड ले लीजिए और इसका कराइए क्या, ऑक्सीकरण करा दीजिए और डाई एथिल ईथर की उपस्थिति रखिए। डाई एथिल ईथर वो भी होना चाहिए शुष्क, डाई एथिल ईथर का ऑक्सीकरण करा दें तो ये इस बॉन्ड को तोड़कर इस ऑक्सीजन को यहीं पर फिट कर देंगे तो क्या बनेगा, C2H5OMgBr। आगे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। इसका ऑक्सीकरण कराने पर ये ओ यहाँ पर बीच में अटैच हो गया। अब इसके आगे ही एरो लगाएंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन तो हम आगे नहीं लगा रहे, तो आगे एरो लगाएंगे और इसका करा देंगे जल अपघटन HOH से। जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा आपका, ये लीजिए बॉन्ड टूट गया और ये क्या निकल गया, शेष क्या बचा, C2H5OH बचा है, C2H5OH बन गया एथिल अल्कोहल। शेष क्या बचा, Mg, एक से तो OH जुड़ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड क्रैश हो गया और OH यहीं पर जुड़ जाएगा, पहले से ही क्या जुड़ा है, Br, ये लीजिए बन गया एथिल अल्कोहल। तीसरा आपको बताते हैं, आपसे दो ही पूछे गए हैं लेकिन हम आपको बताएंगे तीसरा, बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन छोड़ दीजिए। तो तीसरा ये है C2H5Br, इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर दें, H2SO4 के साथ गर्म कर दें। अब ये तो बहुत ताकतवर मामला है तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका एक हाइड्रोजन और पूरी ब्रोमीन को हमने ले लिया तो यहाँ पर बनेगा क्या बचा है, C2H5 और एक हाइड्रोजन और SO4 यानी के एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया आपका। इसका पुनः करा दीजिए आप क्या,
जल अपघटन। और जल अपघटन कराने के लिए क्या चाहिए, एच ओ एच। अब ये देख लीजिए, ये यहाँ से बॉन्ड क्रैश हो गया और ये इसे लेकर यहाँ पर चला गया, इस एच को मिलाकर ये दोबारा एच टू एस ओ फोर बन जाएगा, एच टू एस ओ फोर बन गया। बचा क्या, ओ एच, वो भी एथिल से जुड़ने को तैयार है, तो क्या बन जाएगा, सी टू एच फाइव ओ एच। अब सभी की भाषाएं इन अभिक्रियाओं को देखकर ही लिखेंगे। एथिल क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है, NaCl पृथक हो जाता है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का पहले ऑक्सीकरण कराएं, शुष्क डाई एथिल ईथर, शुष्क लिख लेंगे, शुष्क डाई एथिल ईथर, और ये होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, तो बनेगा एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि एक ईथर का कंपाउंड बनेगा। जब हम इसका पुनः जल अपघटन कराएंगे तो OH कहाँ चला जाएगा, OMG के साथ, OMGBr के साथ, और H मिल जाएगा इसको, क्योंकि होता है इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर इसकी क्या है, कम विद्युत ऋणात्मकता, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और हमेशा अगेन चलते हैं, हाइड्रोजन माइनस की ओर जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन प्लस की ओर जाएगा, और ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार हमने एथिल ब्रोमाइड का हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कराई तो क्या निकल गया, HBr निकल गया था। यहाँ HBr निकलने पर क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन चला गया था हाइड्रोजन सल्फेट से, तो बचा C2H5HSO4। पुनः जल अपघटन कराया तो H2SO4 बना और एथिल अल्कोहल बन गया आपका। ये बनाने की विधियां अब वो बता रहा है कि एथेनॉल से, यानी कि इसी एथिल अल्कोहल से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। अब हम इसको रब किए देते हैं और बताते हैं एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। इसको आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नोट करने पर ही आपके काम आने वाला है। आप देख लीजिए, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बात एक ही होती है, इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म कर दें। थोड़ा इसको इधर बढ़ाकर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH गर्म करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, यानी अपचयन कराना इसका, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाएंगे और ये क्या बनेगा देख लीजिए आप, जल H2O निकल जाएगा प्लस, ये हाइड्रोजन बची हुई इसी के साथ जुड़ जाएगी तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही वो एथेन बन गया, एथेनॉल से एथेन प्राप्त हो गया आपको। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक बची है हमारी आयोडीन तो लिख देंगे I2, इतना आसान होता है, कुछ नहीं किया, एथिल अल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयित करा दिया। इसने अपचयन में क्या होता है, किसी की ऑक्सीजन को हमेशा छीन लिया जाता है और हाइड्रोजन का योग हो जाता है, ये हाइड्रोजन इससे योग कर गई और एथिल अल्कोहल बन गया, अरे एथेन बन गया, सॉरी एथेन आपका बन गया। अब आए एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथॉक्सी एथेन आप देख लीजिए, इतना आसान होता है, एथॉक्सी एथेन का मतलब होता है C2H5O, ये होता है, ये है एथॉक्सी और ये एथेन बचा, एथॉक्सी एथेन, ये IUPAC के नाम लिख देते हैं ताकि आप इससे घबरा जाएं, घबराने की बात नहीं, इसे ऐसे भी बोलते हैं डाई एथिल ईथर, एथॉक्सी एथेन को ही डाई एथिल ईथर करते हैं बोलते हैं। इसे बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए बहुत आसान है, दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, दो कण C2H5OH, एक बार और लीजिए C2H5OH, और इसको गर्म करवा दीजिए, सिर्फ गर्म करना है, किसकी प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 में, ये महाराज हमेशा जल ही निकालते हैं, तो ये लीजिए, ये क्या निकल गया जल, ये बचा C2H5O, ये बोले भाई साहब हमारा तो OH छीन लिया तो हमें भी जोड़ लो,
तो ये भी भागते हुए गए, तो क्या बना, C2H5 बन गया, और क्या निकल गया, H2O। लीजिए ये हो गया। अब देखा गया है कि मुख्य उपयोग भी लिखिए, इससे संबंधित अभिक्रियाएं भी दीजिए। इसके मुख्य उपयोग, दो मुख्य उपयोग लिखने हैं और इससे संबंधित हमें अभिक्रियाएं भी देनी हैं। अब लीजिए, एथिल अल्कोहल से आप क्या क्या बना सकते हैं, लीजिए हम बनाते हैं, इसे मिटा देते हैं आपके लिए, और ये बन गया एथिल, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, CH3CH2OH उपयोग बनाना। इसका काम क्या है, ये सीधी सीधी एक अल्कोहल है, ज़्यादातर जितनी भी अल्कोहल जो दारू वगैरह बनाई जाती हैं उनमें ये मुख्यतः पाया जाता है जनरल रूप से। इसका हम ऑक्सीकरण करा दें, क्या करा दें, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसका करा दें। यहाँ पर एरो लगाते हैं, इसके सामने नहीं लग पाएगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है, और ऑक्सीकरण हमेशा K2Cr2O7/H2SO4 यानी थोड़ी मात्रा हमें किसकी चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, ये लीजिए क्या बन गया, यहाँ पर क्या बचा, CH3, पहले वो ही लिखिए जो बचा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये O बचा है, तो ये क्या बन गया, एसिटल डिहाइड। पहला उपयोग एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल डिहाइड प्राप्त होता है और जल पृथक हो जाता है। अब इसी एसिटल डिहाइड के द्वारा हम अल्कोहल के द्वारा क्या बना लेंगे, एक नया उत्पाद बना लेंगे, वो भी क्या होगा, क्लोरल, क्लोरल होगा। देखिए CH3 इस अभिक्रिया को यहीं पर लिखे, चलो लिख देते हैं CH3CH2OH। इसका ऑक्सीकरण कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वही इसी दोनों की प्रेजेंस होगी, इन्हीं दोनों की प्रेजेंस ले लेंगे तो ये बनेगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिटल डिहाइड। देखिए हमने पहले बनाया है लेकिन उसको हमने सिर्फ एसिटल डिहाइड तक ही छोड़ दिया और माइनस में क्या निकल गया, H2O। इसमें हम पुनः क्या डाल दें, क्लोरीन गैस, प्लस क्या ऐड कर दें, क्लोरीन गैस इतनी डालें कि इसके ये हाइड्रोजन को तोड़ ले, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, ये 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे बाहर, तो क्या निकल जाएगा, +3HCl। कितने क्लोरीन बचे हैं, 3, वो यहीं जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO। लो क्लोरल बनाने में, क्लोरल बनाने में एथिल अल्कोहल से हम एस्टल डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपयोग इसमें कर सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टल डिहाइड। यदि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके हम एसिटल डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं, पुनः क्लोरीनीकरण करा दें तो हमें क्लोरल प्राप्त हो जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, एक बहुत ही मुख्य उत्पाद जिसका नाम है नशे का पदार्थ, यानी जो निश्चेतना हमारे अंदर ला देता है वो होता है क्लोरोफार्म। ये उपयोग हो गया। अब दिया गया अथवा, अथवा में हमें बनाना है फिनोल बनाने की दो सामान्य विधियाँ लिखिए और निम्न समीकरण भी दीजिए। पहले हम फिनोल को बनाएंगे और दो विधियाँ भी लिखेंगे। लीजिए फिनोल को बनाते हैं, इतने आसान समीकरण होते हैं आपके अंदर से रासायनिक अभिक्रियाओं का भूत ही भगा देंगे। क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाँ, सबसे पहले क्या लें आप, बेंजीन। इसको बंदे को ऐसे के साथ गर्म करें जो दोबारा कभी भी ऐसा काम ना कर पाए, कि जो कभी अभिक्रियाओं का बिगाड़ ना कर पाए, तो सबसे पहले इसको हम एक हैलाइड के साथ ले लें, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसको हम किसके साथ गर्म करें, कास्टिक सोडा के साथ, तो ये क्या बनाएगा, HCl। गर्म कर देंगे सिर्फ, क्या करेंगे, गर्म, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम
फेनोक्साइड बन गया सोडियम फेनोक्साइड और निकल के आ गया माइनस HCl। ऐसा कोई बंदा लाओ कि ये सोडियम को तोड़ दे, तो सोडियम को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कोई बंदा यहाँ पर डाल दो जो सोडियम को तोड़ दे और उसके पास H हो, क्योंकि यहाँ पर हमें OH लाना है, तो क्या डाल दें HCl। ये लीजिए पुनः HCl डाला तो क्या बन गया फिनोल, और ऊपर क्या चला जाएगा H, ये भागता हुआ OH के जाएगा O के पास और बना देगा एक नया उत्पाद। ये हो गई पहली विधि, फिनोल को बनाने की ये पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि, दूसरी विधि में आप चाहें तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भी बना सकते हैं। किससे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनता है, अब यहाँ पर देखिए, ये एक बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराइए, H2SO4 से, और इसको क्या करेंगे हम गर्म कर देंगे। इसी पैरा के स्थान पर एक हाइड्रोजन निकाल लें, इस हाइड्रोजन को इस H के एक संपर्क करें, केवल इसका एक H शामिल करें और इसकी एक ऑक्सीजन ले लें, तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यानी कि यहाँ पर कितना बचा है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर माइनस का क्या निकल जाएगा जल, ये बन जाएगा HSO4, बन गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका HSO4 हट जाए, OH चलाए, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, जल अपघटन करा देंगे। ये लीजिए हमने क्या कराया, जल अपघटन, यहाँ से बॉन्ड टूटा और इस पर होगा प्लस का चार्ज और इस पर होगा माइनस का चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से कमज़ोर होता है, प्रत्येक कोने पर क्या है कार्बन, इन कोनों पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन पृथक होता तभी कोई इसमें कंपाउंड जुड़ता है। अब ये लीजिए ये क्या बन गया, पुनः H2SO4 बन गया और OH कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए क्या बन गया OH, और क्या निकल गया H2SO4 बन गया। ये लीजिए फिनोल बनाने की विधि, ये भी फिनोल है या फिनोल बोलते हैं फिनोल, ये भी क्या है फिनोल। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, अब क्रियाएं करने में कुछ होता ही नहीं है, बस आप कंसंट्रेट रखिए कि हमें उस जगह लाना क्या है, बनाना क्या है। याद रखिए समीकरण बनाने के लिए आपको उत्पाद में बनने वाले यौगिक का ज्ञान होना आवश्यक है। आप कोई भी अभिक्रिया करें, हम A to Z अभिक्रियाएँ आपको सिखा सकते हैं, जो भी अभिक्रियाएँ हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस में तो बहुत नॉर्मल अभिक्रियाएँ हैं, अगर आप बड़ी उच्च क्लास में जाते हैं BSc वगैरह में तो थोड़ा आपको टेंशन होता है, लेकिन इसमें इतना नहीं लेना है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको एक से एक बेहतरीन तरीका बताएंगे, जैसे यहाँ पर हम ये कैसे ऐड कर लेते हैं, ऐसे आप करके देखिए, आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ऐसे आप बता सकते हैं कि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक O ले लिया, इसका H2O निकाल कर अलग कर दिया। अब ये तो बन गया फिनोल, ये तो वगैरह की बात है। अब फिनोल किन से अभिक्रिया, सांद्र HNO3 से, सांद्र ब्रोमीन जल से, और जिंक से अभिक्रिया कैसे करता है आपको बताते हैं, आपको बताएंगे, हम बताएंगे कैसे ये अभिक्रियाएं होती हैं और कितनी जल्दी बनते हैं। जिंक से अभिक्रिया करके फिनोल क्या बनाएगा, और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया क्या करके क्या बनाएगा। तो पहले सभी फिनोल लिख लें, तीनों बार फिनोल को लिखा जाए। ऑर्डर आया है भाई साहब का कि इन इन से अभिक्रियाएं करानी है, ये लीजिए फिनोल लिख दिया, और पहला है HNO3, ये महाराज इनकी प्रेजेंस के बिना काम ही नहीं कर सकते, ये H2SO4 के बिना। अगला पॉइंट है, ऊपर क्या लिखा गया है, ब्रोमीन से अभिक्रिया, यानी के जलीय ब्रोमीन, सूखी ब्रोमीन काम कुछ नहीं करेगी। ये मेरा लिखने का अपना अंदाज है, क्योंकि हम Br2 लिखें तो उसे काटे पीटेंगे तो ये कोई काम नहीं बनेगा, तो हम ऐसे लिखते हैं ब्रोमीन को। अब उसके बाद में है इसकी जिंक से अभिक्रिया,
ये लीजिए जिंक से अपक्रिया करा दी हमने। तीनों अपक्रियाएं सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। देखिए ये हमेशा बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा ना कि इसके, क्योंकि ये नाभिक प्रतिस्थापन समूह है, नाभिक प्रतिस्थापन समूह है, ये भी नाभिक प्रतिस्थापन समूह है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्नेही समूह है। अब देख लीजिए इसके आर्थो या पैरा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये आर्थो है और ये पैरा, तो ये आर्थो या पैरा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल का, और इसकी एक ऑक्सीजन को वो तोड़ लेगा, तो बचेगा NO2 और निकल के आ जाएगा आपका H2O, और क्या बनेगा, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, ये लीजिए OH तो वहीं रहेगा, या तो यहाँ पर NO2 लगेगा, या बेंजीन की दूसरी श्रृंखला में पैरा पर NO2 समूह लगेगा, तो या करके आप दिखा देंगे, ये लीजिए या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और ये समूह नाभिक प्रतिस्नेही प्रतिस्थापक होते हैं, नाभिक के ऊपर अटैक करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्नेही होते हैं। ऐसे ही ये ब्रोमीन हाइड्रोजन को या तो यहाँ से पैरा पर अटैक करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, नाभिक के इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि चक्र घूमता हुआ हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में बताया था, और बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ स्नेह शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है, यहाँ पर शुरू होता है, ऐसे यहाँ पर शुरू होगा स्नेह, यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ पर शुरू होगा, और ये क्या निकल जाएगा, HBr। तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो और पैरा दोनों के कंपाउंड बनेंगे, या तो ऑर्थो ब्रोमो फिनोल बनेगा, या तो पैरा ब्रोमो फिनोल बनेगा, ये लीजिए पैरा, या ऑर्थो या पैरा ब्रोमो फिनोल बनेगा। अब इस महाराज को जिंक तो एक अपचायक है, क्या है, अपचायक, जिंक हमेशा जैसे यहाँ पर निकिल की उपस्थिति लिख दें तो भी कोई बात नहीं है, लिख देते हैं, तो ये इस ऑक्सीजन को ऐसे छीन लेगा, और ये H यहीं से निकला था, यहीं दब जाएगा बेचारा, बेंजीन में चला जाएगा बेचारा, क्या बन गया, बेंजीन, और क्या निकल जाएगा, ZNO। देखा रासायनिक अभिक्रियाएँ कितनी आसान होती हैं, करते रहिए ऐसे ही अभिक्रियाएँ, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, बड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है जिसमें आप बोझ लेकर बैठे, बोझ बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपकी सभी परेशानियों को एक मिनट में दूर कर देंगे, एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें एक ही में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, अभिक्रियाएँ करने की टेंशन इन अभिक्रियाओं से दूर हो जानी चाहिए कि ऐसे अभिक्रियाएँ की जाती हैं, और ऐसे ही आपको करके दिखाना है कि ये बेंजीन फिनॉल या किसी वगैरह से अभिक्रिया ये करता तो क्या करेगा, पहले आपको थोड़ी देर सोचना है, 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में आपको करके आना है, एक के पीछे 0 लगाना है, और मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और खूब सुकून से जिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आग की तरह फैला दीजिए, और उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हमें प्यार बांटते रहें, हम आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।